आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन। सो हमको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। सो हमको ए पता है कि एफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो इज वन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देन इसका परपेंडिकुलर होने वाले एंड परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर होता है प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होता है। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट का रिलेशन है दैट इज इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसका परपेंडिकुलर होने वाले और पासिंग थ्रू ओरिजिन होने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का वैल्यू क्या होता है, बी को यह ये दोनों को इंटरचेंज करके यह तो माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा दैट इज बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का आंसर क्या होता है, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। सो यहाँ तो थ्री एक्स स्क्वायर, सो ये दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा ना फाइव एंड थ्री को। सो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस यह तो माइनस है ना, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस होगा ना। सो एट एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो होता है। सो इसका परपेंडिकुलर होने वाले और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने वाले एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर। सो ये तो फर्स्ट ऑप्शन का दैट इज फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सो यह देखो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ओके दोस्तों माइनस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये तो हमारा सेकेंड ऑप्शन का आंसर है। सो मल्टीप्लाई माइनस, सो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो होता है। यह है हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो हमारा सेकेंड आंसर क्या होता है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। सो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, दैट इज थर्ड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ये तो जनरल इक्वेशन है ना, उसका परपेंडिकुलर क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये तो फर्स्ट आंसर है। सेकेंड आंसर क्या होता है, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये तो सेकेंड आंसर है। थर्ड आंसर क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये है हमारा थर्ड आंसर, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।